रक्षाबंधन का पर्व 30 या 31 अगस्त। भद्रा में रक्षाबंधन करना अशुभ। राखी बांधने का मुहूर्त, इस समय राखी बांधे। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह भाई बहन का प्रमुख पर्व में से एक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो उस समय भद्रा खत्म होने का इंतजार करते हैं। भद्रा काल में राखी बांधना निषेध बताया गया है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व 30 या 31 अगस्त कब मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। इस बार 2 सावन लगने के कारण रक्षाबंधन काफी लेट से मनाया जाएगा। भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन इस बार रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर मतभेद है। भद्रा में रक्षाबंधन करना अशुभ। इस साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर हो रही है और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दिन भद्रा लगने के कारण आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना होगा। सनातन धर्म में मान्यता है कि उदय तिथि को मान्यता है, इसलिए कुछ विद्यमानों का मत है कि 31 तारीख की सुबह 7:05 से पहले ही रक्षाबंधन का पर्व मना लेना चाहिए। राखी बांधने का मुहूर्त, 30 अगस्त को भद्रा रात के 9:01 पर रहेगी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस बार भद्रा पूंछ शाम में 5:30 से 6:31 तक रहेगी। आप चाहें तो इस समय रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। इसमें आपको भद्रा का दोष नहीं लगेगा। ख्याल रखें कि भद्रा मुख के दौरान आपको राखी नहीं बांधनी है, लेकिन विद्वानों का मानने तो उनका कहना है कि उदय तिथि होने के कारण राखी 31 अगस्त को सुबह 7:00 से पहले ही बांध सकते हैं। इस समय राखी बांधें। 30 अगस्त को भद्रा रात 9:01 तक रहेगी, जिसके कारण आप चौघरिया मुहूर्त में भी राखी बांध सकते हैं। अमृत चौघरिया मुहूर्त राखी बांधने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त 7:34 से 9:10 तक है।